आई एम एडिंग ऑल द स्टूडेंट्स, सो प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. आई एम एडिंग एवरीवन. A very good afternoon to everyone. Very good afternoon, Hina. मैम आपने बुक की फोटो भेजी. बुक की फोटो? अच्छा ठीक है, आई विल सेंड इट आफ्टर द क्लास, डोंट वरी. I will do surely today, okay? Have you understood everyone? Indian Contract Act, the basic formula for the Indian Contract Act too. He's still. आप सभी को समझ में आए जो हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? आई होप काफी बच्चे आ गए हैं. लास्ट क्लास के लिए Do you have any kind of doubt regarding the previous class? If you have, so please ask me. If you have any doubt regarding the previous class, we have done so far the meaning of the contract. Okay, we have done. The meaning yes. of contract and then agreement, offer and acceptance, obligation and the essential elements of the contract. In this essential elements of the contract, we need to study further points also. So we will do in today's class. Okay, and after that. We have covered the kinds of the contract. Students are coming and they. Okay, it's 12:45 now. Okay, in the last class, we have covered till the voidable contract. Okay, tell me anyone, what do you mean by the valid contract? So please, anyone, please tell me what do you mean by the valid contract? बताइए आप सभी एक बार कि valid contract से आप क्या समझते हैं? When consent is not free, enforceable होता है by law. And then next, the voidable contract. What do you mean by that term?
एनीवन एक्सप्लेन. ओके नाउ सी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो आपका एग्रीमेंट होगा कि जिसमें असेंशियल जितने भी सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बनने के सारे असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, फुलफिल होंगे. सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज एन एग्रीमेंट विच फुलफिल्स ऑल द असेंशियल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी. ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि कोई भी एक भी लूपहोल हमें नहीं मिलेगा. और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि ये एक पार्टी के ऑप्शन से क्या है, एनफोर्सेबल है, और दूसरी पार्टी के ऑप्शन से एनफोर्सेबल नहीं है. तो ये आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि दैट एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अ वन और द मोर ऑफ द पार्टीज. ठीक है, फाइन एक एग्रीमेंट जो कि एक पार्टी के ऑप्शन से क्या है, एनफोर्सेबल है, लेकिन दूसरी पार्टी अदर पार्टी के ऑप्शन से एनफोर्सेबल नहीं है, तब हम उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए. मैं आपको डे वन से ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा रही हूँ. क्लियर? अब आइए नेक्स्ट में कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कब कब आपका वॉइडेबल होगा, ये सिचुएशन हम कवर कर चुके हैं. इसमें से किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि कब कब हमारा वॉइडेबल. वॉइडेबल में बस आप इतना ही ध्यान दीजिएगा कि एक पार्टी के व्यू से आपका क्या है, एक पार्टी के व्यू से आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन अपोजिट पार्टी के व्यू से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो अभी वो वॉइड नहीं हुआ है. पहले समझिए, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, ठीक है ना, सॉरी वॉइड. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज वेल एज द वॉइड, यानी कि ना ही वो वैलिड है और ना ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड है. इट मीन्स कि यहाँ पे वन पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो वैलिड हो सकता है, अदर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वॉइड हो सकता है. इसीलिए हमने इसे लिखा है वॉइडेबल, कि वो दूसरी पार्टी उसे एंड कर सकती है. ठीक है, ये सबसे क्यों कुछ डिफॉल्ट थे, इन सब के बारे में भी हमने स्टडी किया है. आप प्लीज अच्छे से इन्हें पॉइंट्स को कवर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कब कब या कौन कौन से सिचुएशंस में या कौन से सर्कमस्टेंसेस में है ऐसे कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है. चलिए अब हम नेक्स्ट में स्टडी करते हैं. सो आर थर्ड पॉइंट इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड का मतलब क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है एंटायरली. अब देखो सिंपल है, एक वैलिड और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे असेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है तो वो मेरे लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होंगी, इट मींस ऑल द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो वॉइड हो जाएगा. अब सिंपल सा है, यहाँ क्या था, यहाँ एक आईज में है लेकिन यहाँ दोनों के आईज में है. यहाँ पर यानी कि फर्स्ट वाले में बाय फॉल्ट के द्वारा हुआ, फ्रॉड के द्वारा, मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक ने फ्रॉड किया, दूसरे ने तो फ्रॉड नहीं किया. ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सब के ठीक है प्रेशर्स में था. लेकिन यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का इसका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हमें अच्छे से कवर करनी है सेक्शन 2J. सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, वॉइड है. ठीक है, जब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है तब वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल अगर आप करते हो तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. यानी अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की ऑब्लिगेशन करते हो या देखते हो तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ये सिंपल सा है. सो एग्जांपल,
ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर 10,000। ठीक है, ए ने एग्री किया, क्या एग्री किया, अपने इन कार सेल करने के लिए। सो ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर 10,000। ठीक है, एग्जाम्पल है, ढंग से समझिएगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी ऐसी है। ठीक है, इस पेपर में, ये पेपर आपका प्रैक्टिकल नहीं है, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच लाइन वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज नॉट योर द प्रैक्टिकल एग्जाम, दिस इज योर टेक्निकल वन एंड यू शुड अंडरस्टैंड ईच द डेफिनेशन। ठीक है, हाँ, आपको हर डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। सो मैनी स्टूडेंट्स आर स्टिल डिस्टर्बिंग अस। सो एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर 10,000, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल्ड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हर एसेंशियल्स क्या है, फुलफिल होंगे। इफ ए रिफ्यूजेस टू सेल हिज कार, अगर ए ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, तो देन बी कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, तो बी कोर्ट में जाएगा एंड कोर्ट वुड एनफोर्स ए प्रॉमिस। तो कोर्ट मतलब कि ऑब्वियसली क्या कहेगी कोर्ट, कि भाई ए को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट हुआ है। लेकिन नाउ सी द कंडीशन, बट इफ बिफोर द delivery the car is destroyed by the tsunami and the court cannot enforce anything, kyunki dene se hi pehle maan lijiye ab jo car hai wo completely tsunami ke dwara kya ho gayi hai, destroy ho gayi hai, kehne ka ab to yani ki koi bhi, kyunki yahan pe natural circumstances hain, pehle jo contract tha wo valid tha। ठीक है, अगर वो नहीं देता जानबूझ के, कोर्ट ने उसे देने के लिए कहा, लेकिन वो कार जो है सुनामी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई एंड द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स एनीथिंग, तो एनहांस दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल का मतलब क्या है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्ट, जो एक्शन है वो अब वर्क में नहीं होगा। So, any before the delivery, the car is destroyed by the tsunami and a court cannot enforce anything. The court hai kuch bhi anything enforce nahi kar sakta and hence this contract becomes enforceable. Ye jo contract hai wo kya ho jayega, enforceable ho jayega, that is void. So, ye jo contract hai, ye entirely contract aapka void ban jayega। और एक चीज ध्यान देना, जो एक्ट संभव ना हो, जो एक्ट आपका इम्पॉसिबल हो, वो आपका एक्ट में असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। और जब वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब कि वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दस void contract is a one which was a valid contract when it was made. So please understood this void। ठीक है, जब वो बना तब वो क्या हो गया। देखो दोनों में difference है, voidable, voidable में क्या है कि दोनों party अगर चाहे तो वो contract को चला सकती है, मतलब starting में ही contract दोनों में ही valid रहता है। स्टार्टिंग में चाहे वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों में ही क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन विच वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वन यानी कि विच वॉज अ जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था व्हेन इट वॉज मेड, जब वो बनाया गया, जब वो मेड किया तब दोनों ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे। लेकिन बाद में यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल अब क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हम उस परफॉर्मेंस को नहीं कर सकते। सो बर्ड बिकम्स द वॉइड लेटर ऑन। अब इसको प्लीज समझिएगा, ठीक है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते। वॉइडेबल अगर आप चाहते हो, मान लीजिए एक दूसरी पार्टी चाहती है कि नहीं, वो यानी कि अगर ये एक प्रेशर में उसने साइन किया था लेकिन अब वो
ढंग से, यानी कि या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को रन करना चाहती है तो वो कर सकती है। वहां पे परफॉर्मेंस आपकी हो सकती है, वहां उस कंसेप्ट में वॉइडेबल में अगर पार्टी चाहती है कि मुझे एंड करना या कंटिन्यू नहीं करना तो वो आपका एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टी चाहती भी है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करे, इसकी परफॉर्मेंस फुलफिल हो, नहीं हो पाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो अब एग्जिस्ट आपके पास नहीं करता तो एंड बिकम्स वॉइड लेटर ऑन। सो दोज एग्रीमेंट विच आर वॉइड एब निशियो अंडरलाइन, ठीक है, आप लिख लो, सॉरी आप अपनी बुक में हो, बुक में अगर आप कोई भी साइप की डेफिनेशन देखें उसको आप अंडरलाइन कर लो, और साथ में आपने ये प्लीज लिख लीजिए आपके पास ध्यान रहे कि जितने भी सारे मेरे पास void contract होते हैं they are void ab initio starting से, from the very beginning, शुरुआत से ही, very beginning से क्या होते हैं ये, यानी कि आपके पास क्या है, void होंगे शुरू से ही, क्योंकि जब performance ही नहीं होगी, अगर performance ही नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे, void हो जाएंगे, यानी कि अब इसको आगे continue करने का तो कोई reason है ही नहीं, are called the void agreement, and those which become void later on are called void contracts, ठीक है, और those जो कि which become void, जो कि बाद में later on क्या हो जाते हैं, void हो जाते हैं, तब हम उन्हें क्या void contract कहते हैं, तो are called void contract। अब है कि following circumstances will transform वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कुछ सरकम चांसेस हैं। देखिए अब यहाँ आप देखिए कि कब कब, यानी कि आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए वैलिड था लेकिन अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड है, ठीक है। तो नंबर वन इज अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना, नंबर वन आपके पास क्या है, कंटेंजेंट, यानी टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन द हैपनिंग of an uncertain future events। ये तो एक सिंपल सा है, आप एक uncertain future events की ये काम होगा या नहीं होगा तो इसकी certainty नहीं है, और ऐसे कोई भी contract होंगे जिसमें आपकी certainty नहीं होती, यानी कि वो जो contract है, ठीक है, आगे हम उसे मूव ऑन की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास इवेंट क्या है, कंप्लीटली नेग्लिजिबल है, यानी कि इवेंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, यानी कि उसमें करना है टू डू और नॉट टू डू समथिंग on the happening of an uncertain future events become void, तो वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो गया है, entirely void। So a contingent contract to do or not to do something on the happening of an uncertain future event, यानी कि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए, हियर द फ्यूचर इवेंट्स इज नॉट सर्टेन, तो व्हेन योर फ्यूचर इवेंट्स इज नॉट सर्टेन सो दिस बिकम्स द वॉइड, व्हेन द इवेंट्स बिकम द इम्पॉसिबल, आए हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में, एंड सो प्लीज लर्न कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 32। नाउ द नेक्स्ट इज रेपुडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब क्या है, रेपुडिएशन का मतलब क्या है कि अब सिंपल सा है, अब वॉइडेबल यानी ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल होना था, ठीक है, एक पार्टी के ऑप्शन पे, अब उस पार्टी ने कंप्लीटली उस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर दिया, कहा कि तुमने तो ये मुझसे प्रेशर में, ठीक है, कराया, अब उसने क्या कर दिया है, कंप्लीटली उसे रेपुडिएट कर दिया, तो टू रिफ्यूज, ठीक है, टू एक्सेप्ट, ठीक है, उसको रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, सो रेपुडिएशन ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हेन ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट
is rescinded by the party at whose option it is voidable. ठीक है, चाहे जिस, अब सिंपल है, क्या लिखा है कि देखो जिस पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, अब उसने क्या कर दिया कि नहीं, अब उसने उसको एंड कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट वो आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आगे फर्दर मूव नहीं करेगा. मैम इसको मैम हाँ बोलिए मैम, इसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते? नहीं, आप कैसे लेके जाओगे, अब उस पार्टी ने मना ही कर दिया कि मैं मतलब उसे नहीं करूंगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वॉइडेबल था, वो वैलिड नहीं था, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो तो ऑलरेडी वॉइडेबल था. वॉइडेबल का मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई असेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग था, या तो वो कोई फ्रॉड से हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, प्रेशर के कारण से हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी वॉइडेबल वर्ड लिखा है ना. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, फिर अगर कोई पार्टी मना कर रही है, तब आप उसे ऑलरेडी कोर्ट में लेके जा सकते हैं. लेकिन वो क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, ये वॉइडेबल है, यानी खत्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, हुआ नहीं है, लेकिन अब पार्टी उसे क्या कर रही है, जिसके ऑप्शन पे, यानी कि वो वॉइडेबल है. मान लीजिए आपके साइड से, जिस साइड से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, प्रेशर में साइन किया गया है, अब वो उस पार्टी क्या कर रही है, उसे एंड कर रही है, तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. सो वही लिखा है, बी इज ए रेपुडिएशन ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के जो रेपुडिएशन है, सो व्हेन ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है, रेसिंटेड बाय द पार्टी एट हुज ऑप्शन इट इज वॉइडेबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है ना, अब वही है कि अब सिंपल है, मान लीजिए कि अभी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब उसका जो एक्ट है वो क्या था, वो हो सकता था, तब उसका एक्ट पॉसिबल था, लेकिन अब उसका एक्ट पॉसिबल नहीं है, यानी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है. ठीक है, पहले वो एक्शन में हो सकता था, लेकिन अब वो एक्शन में नहीं हो सकता. सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट अब जिसकी परफॉर्मेंस करनी क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल. सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म आफ्टर इट इज मेड, कि जब वो बनाया गया, मेड किया गया, उसके बाद, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल दिया था ना, स्टार्टिंग में क्या था, वो वैलिड था, ठीक है, और फिर बाद में क्या हो गया, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. तो इस टाइप में, तो तब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का सेक्शन है सेक्शन नंबर 56. नाउ द नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. क्या है ये सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सेक्शन नंबर 56. A contract becomes void if it becomes illegal after it is made. कहने का मतलब है, सिंपल है, अब जैसे गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, मान लीजिए आज आज है, ठीक है, कितनी सारी बिजनेस डीलिंग होनी थी, ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो गई, अब वो नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि मीट करना, ठीक है, मीटिंग करना, बिजनेस करना, अब ये सब क्या हो गया है, यानी कि दो तीन दिन के लिए इलीगल हो गया, क्योंकि वो, यानी कि इसे हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो वो ऑलरेडी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, वॉइड हो गए हैं. मान लीजिए किसी ने कहा कि हम आपको इतने जो गुड्स हैं वो वेनसडे को सप्लाई करेंगे, तो क्या अब वो हो पाएंगे, नहीं, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, इलीगल, क्योंकि कोई अब ऐसा करेगा तो उसको काफी आंसर देना पड़ेगा, उसमें पनिशमेंट होगी, ठीक है ना, काफी रीजन है, काफी स्टेप्स हैं.
तो वो क्या हो गया, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, आपका इलीगल हो गया, ठीक है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो जितने भी ये हमने सरकमस्टेंसेस स्टडी किए, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, टर्न कर देता है किसमें, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, यानी अब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया है, वॉइड हो गया है, आगे परफॉर्म नहीं होगा। तो नंबर वन इज माय द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, एंड बी इज अ रेपुडिएशन ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का सेक्शन है 56। नाउ द सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी सेक्शन है 56, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 65, क्योंकि अब कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑब्वियसली, मतलब मेन क्या होगा, एक पार्टी, ठीक है, एक पार्टी है, वो मान लीजिए उसके लिए अंगेस्ट में क्या थी, बैठी हुई थी। अब अगर दूसरी पार्टी को उससे हार्म होता है, दूसरी पार्टी को अगर उससे हार्म होता है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, वो क्या होगा, फिर उसे कंपनसेशन मिलेगी जिस पार्टी को हार्म हुआ है। ये भी प्लीज आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीजें आप जानबूझ के कर सकती हैं, ये देखा जाएगा कि एक्चुअल में, देखो कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का आपका कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक पर्सन था, ठीक है, उसे आना था, ठीक है, मतलब और उसको साइन किया भी, उसने प्रॉमिस भी किया कि वो ये एक्ट परफॉर्म करेगा, या फिर वो उनके मान लीजिए कॉलेज या स्कूल में आके परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है ना, गाना गाएगा, ठीक है, सिंगर है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से लॉकडाउन हो गया, तो वो नहीं हो पाया, तो इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। या फिर आप, या तो फिर उसे आप आगे कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो कम्प्लीटली आपके लिए इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। तो ये एक जेन्युइन रीजन है, ठीक है, ये एक जेन्युइन है, इनमें कंपनसेशन इतने डिमांड नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर उसे जो भी पेमेंट हुई होगी या तो वो रिटर्न हो जाएगी, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट है, आप करते हैं, फिर अचानक से आप मना करते हैं, सो कंसीक्वेंसेस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 65 लेज डाउन दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कि जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, the party who has received any advantage under such agreement, यानी ऐसे such under such agreement के अंदर जिस पार्टी ने एडवांटेज रिसीव की है, should restore it or make compensation, यानी कि जिस पार्टी को उस, अगर दोनों पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ या कोई भी गेन नहीं हुआ या फिर पैसे की डीलिंग नहीं हुई है, इट्स फाइन, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पार्टी को क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है उनको, ठीक है, तो अगर एक पार्टी को एडवांटेज हुआ है और दूसरी पार्टी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उसको कंपनसेशन, फिर जिस पार्टी को उससे एडवांटेज हुआ है वो सामने वाली पार्टी को क्या देगी, कंपनसेशन मेक करेंगी। सो हु हैज रिसीव एनी एडवांटेज अंडर such agreement should restore it or make compensation for it to the party from whom he received it. Clear? ठीक है, अब हम ये agreement, ये काफी सारे exam में ये आया है question, ठीक है, इसका यहाँ इसमें short में लिखा है, आपको समझा देती हूँ, और अपनी please book में से इसे आप अच्छे से study करना, void agreement, क्योंकि एक एक कंसेप्ट आपको ये इसीलिए शॉर्ट में बताया है कि ताकि आप अच्छे से इन्हें कवर कर सको। मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है?
है मैम, ऑडिबल है ना? आप एक बार प्लीज अपना देखिए, 5G चल रहा है बिल्कुल, और अच्छे से स्पीड आ रही है। सो जिसके नेट नहीं चल रहे हैं या जिसको वॉइस नहीं आ रही है, वो एक बार अपने डाटा, वाईफाई, इन सब को देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट में मूव ऑन होते हैं। सो क्या है वॉइड एग्रीमेंट? ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट के लिए है सिंपल। देखो वॉइड एग्रीमेंट है, सिंपल सा है, एक एग्रीमेंट है, लेकिन आप लॉ में एनफोर्सिबल नहीं कर सकते। सिंपल सीधी सी बात है, इट मींस कि यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। तो एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जब यहाँ पे एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले मुझे। नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, क्योंकि जब एक एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, यानी कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, एक एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इनफोर्सिबल ही नहीं करता, इसका मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो अब सिंपल सा है, इसका मतलब है कि कोई भी एक एग्रीमेंट में आप फिर जाना, मेरे अकॉर्डिंग आप फिर वो एग्रीमेंट नहीं करोगे, या फिर आप उस एग्रीमेंट को मतलब करोगे। सबसे पहले मुझे ये क्लियर करो, एक एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, आप मतलब कि आप और आपकी फ्रेंड्स हैं या कोई भी है, ठीक है, दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वो दोनों पर्सन जानते हैं कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप करोगे? वही सेम सिचुएशन है कि तो वो क्या बन गया, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो वो क्या बन गया, वॉइड एग्रीमेंट बन गया। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि वॉइड है, अगर वो लॉ के द्वारा भी एनफोर्सिबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड। तो इफ एनी ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस अदर देन फ्री कंसेंट इज मिसिंग, यानी फ्री कंसेंट के अलावा, क्योंकि फ्री कंसेंट का जो कंसेप्ट है वो तो हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखा था, तो फ्री कंसेंट का जो कंसेप्ट तो हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखा था, इसीलिए हम इसके एक्सपेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। सो इफ एनी ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस other than free consent is missing, yani free consent ke alawa agar wo missing hai, yani or bhi, yani ki obligations mein dhyan dena, yahan main enforceability ki baat kar rahi hu, yahan par main aur different points ki baat nahi ki hai, yahan pe sirf aur sirf enforceability ki baat ki gayi hai, kyunki jab enforceability word nahi hai, aap court mein nahi ja sakte, to wo aapka contract nahi bana। और अगर आप ऐसे एग्रीमेंट में भी जाते हो तो कोर्ट ने सिंपल कहा है तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। एक्चुअल में वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। एक्चुअली में वो वॉइड मतलब शुरू से ही, बिगनिंग से ही वो क्या है, क्या है, वो नहीं हो सकता। आपने फिर अपने रिस्क पे आप उस एक्ट को करोगे या आप, ठीक है ना, उसे करोगे। तो अब यहाँ देखिए सिंपल है, तो इफ एनी ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस अदर देन फ्री कंसेंट इज मिसिंग द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो एग्रीमेंट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं हो सकता, यही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं हो सकता। अब है एक बार हम केसेस देखते हैं कि कब कब कौन से जो एग्रीमेंट है वॉइड है एबनिशियो से। अब देखिए ये जितने भी सारे हमारे पास, सबसे मेन बात तो ये है कि जब हमने असेंशियल, जितने भी सारे हमारे असेंशियल्स हैं उनमें हमने डिस्क्लोज कर दिया क्या। अब आप यहाँ सिंपल देखिए, ये सिंपल आपको बोल दिया गया है क्या कि आप जब कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आप उस पर्सन की कॉम्पिटेंसी को देखिए, क्या वो पर्सन ने ड्रिंक तो नहीं है, माइनर तो नहीं है,
वो पर्सन मेंटली इल तो नहीं है. सिंपल. अगर फिर भी अगर आप ऐसे के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास तीन कंसेप्ट था. आपको मैंने कंपिटेंसी का बताया था असेंशियल्स में या नहीं, सबको याद है या नहीं. आप प्लीज साथ साथ पॉइंट्स लिखते रहिए, समझते रहिए. तो इफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो गई है, इनकॉम्पिटेंट हो गई है. यानी सेक्शन 10, 11, 12, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं. ठीक है, यहाँ पे अगर वर्ड कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आप ये समझ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो एग्रीमेंट भी अगर आपने कर दिया है तो वो जो एग्रीमेंट है वो भी वैलिड नहीं है, वो बिल्कुल नलसिफाइड, जीरो है. तो सेकंड पे आ जाते हैं. इफ द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन, ये आपको पहले ही बताया था कि विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कि या तो आप चैरिटी कर रही हैं, सिंपल सा है भाई, मैंने कहा कि मैंने अपना फोन है, ठीक है, वो मैंने इसी को फ्री में दे दिया. यानी कि विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या था, समथिंग इन रिटर्न. आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था. सो व्हाट डू यू मीन बाय द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब था क्या हमारे लिए, समथिंग इन रिटर्न. अगर इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, तो अगर आपके पास कुछ भी रिटर्न में नहीं है तो विदाउट कंसिडरेशन है. सो बेरिंग सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है. सो इफ द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के क्या है, अलग है, यानी कंसिडरेशन उसमें है ही नहीं. सबसे पहला तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. सेकेंडली अगर वो एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है. चैरिटी करना कोई आपके लिए एग्रीमेंट नहीं है, ये सब एग्रीमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा. तो सेक्शन 10 है, सेक्शन 25. नेक्स्ट है, इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, अगर कंसिडरेशन और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है. यानी सेक्शन 23, यानी कोई भी जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल ही नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग ही नहीं है, ठीक है, वो लॉ के अलावा है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है. अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग ही नहीं है, यानी इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, लॉफुल नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, तो आपके लिए इसका मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो रहा नहीं, और जहां लॉ का कंसेप्ट नहीं आएगा तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है. इफ द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टेन, मीनिंग का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं है. अगर उसका मीनिंग पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्लियर नहीं है एक पार्टी को, तो आप समझ जाइए, क्योंकि पार्टी को फिर कंफ्यूज रहेगी पार्टी कि हमें करना क्या है. ये पॉइंट्स काफी इम्पोर्टेंट हैं, प्लीज ध्यान दीजिए. एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चंस, एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस कि कब आपका यानी कि एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन से डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैं. एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक आपका सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चंस इनमें से जितने भी बने हैं पेपर में आए हैं, ठीक है, और आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ध्यान देना. तो इफ द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टेन, इट मीन्स द पार्टीज डज नॉट डू नॉट नो व्हाट टू डू, ठीक है ना, करना क्या है, ठीक है ना, विच परफॉर्मेंस आई हैव टू एक्ट, मुझे कौन सी परफॉर्मेंस एक्ट पे एक्ट करना है, ठीक है, तो मुझे यह किस पे करना पड़ेगा, मुझे उस चीज के बारे में
क्लियर नहीं है, अगर टाइम पीरियड निकल जाए तो फिर मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसका मतलब वो जो एग्रीमेंट, और दूसरी पार्टी कहती है कि इसने ये काम नहीं किया, तो वो अदर पार्टी बोल सकती है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, मुझे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मुझे मीनिंग क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या था या क्या करना है, तो मुझे मीनिंग क्लियर नहीं है, इसका मतलब कि वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट है। ऐसे वैसे रेयर केस में होता है, ऐसे जो मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है, आप प्लीज अपना चेक कीजिए, ठीक है। इफ द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टेन, तो सेक्शन क्या है, सेक्शन 26, सेक्शन 26 है, ठीक है। अब आगे आइए नेक्स्ट, इफ द एग्रीमेंट इज टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, ये तो आपको बताया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी आपके पास सेम है, अगर इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है कहीं पे किसी वर्क को करने की, अगर आपकी इम्पॉसिबिलिटी आती है तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर इम्पॉसिबिलिटी आपके लिए आएगी कि इफ द एग्रीमेंट इज टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, एग्रीमेंट क्या था कि एक इम्पॉसिबल एक्ट को करना, एक इम्पॉसिबल एक्ट है आपका, इसका मतलब क्या है, तो वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा और वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। अब आप खुद सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बनेगा, अब तो वो एग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में भी हमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस की नीड होगी, तो जब यहाँ पे ऑफर जब आप एक इम्पॉसिबल इवेंट का कर रहे हो, या एक्सेप्टेंस एक इम्पॉसिबल इवेंट की है, तो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, तो सेक्शन क्या है 56। तो इफ बोथ द पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट अंडर अ मिस्टेक, एक सिंपल सा है, तो कहने का मतलब क्या है, एक गलती से, मिस्टेक से, ठीक है, पार्टीज हैं एक एग्रीमेंट में आ गई हैं, एज टू द एसेंशियल मैटर ऑफ फैक्ट, तो इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 20 है, देयर इज नो कंसेंसस, ठीक है, एंड आइडियम, सो यानी इसमें दोनों पार्टी, कहने का मतलब क्या है, अगर मिस्टेक से भी आई है तो फिर बाद में देखा जाएगा कि अगर दोनों पार्टी आई है फिर देखा जाएगा क्या दोनों पार्टी आगे उसको एग्रीमेंट को करने के लिए एग्री है या नहीं, अगर दोनों पार्टी उसे करने के लिए एग्री है तो वो आगे फर्दर होगा, नहीं है तो वो एक एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, तो वो एक एग्रीमेंट ही आपका वैलिड नहीं है। अब नेक्स्ट है आपके लिए, इफ द एग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, देखो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्या है, फ्रेंड है, बिजनेस कर रही है, ट्रेड कर रही है, ठीक है, मैंने एक एग्रीमेंट किया आपके साथ कि आपको उसको ट्रेड करने से रोकने का एग्रीमेंट है, बेशक आप उसे रोकना चाहते हो काम करने से या मैं रोकना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं आप, क्योंकि ट्रेड का, कॉमर्स का इन पर्पस को रिस्ट्रेन करने के लिए, फिर आप नहीं कर पाओगे, तो वो एग्रीमेंट क्या है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। यहाँ लिखा है बेरिंग सर्टेन एग्जेप्शंस, सर्टेन एग्जेप्शंस है कि कब कब वो एग्रीमेंट आपका वैलिड होगा, ये हम स्टडी करेंगे, क्यों ये कब होगा, क्योंकि ये आपका होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सर्टेन एक्सेप्शंस है वो सर्टेन एग्जेम्पशंस तब तक वैलिड होगी कि जब मान लीजिए कि हमारे कंट्री में हार्म है, ठीक है, या कोई भी यानी कि अब इलीगल, अब मान लीजिए कि जैसे बिजनेस ने, हमारी गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल क्या कहा है कि ट्रेड नहीं करना, तो ये क्या है, ये एक हमारे लिए यानी कि देखा जाए तो रिस्ट्रेन कर रहे हैं ट्रेड से करने के लिए, तो पर ये एग्री है, क्यों ये वैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ ये आपका सर्टेन एग्जेम्पशंस के अंदर आता है,
गवर्नमेंट ने बोला है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सबकी वेलफेयर के लिए, या फिर कोई क्या है, वॉर का टाइम है, तो ऐसे सिचुएशंस में एग्री हो जाएगा, तब वो वैलिड बन जाएगा. अदरवाइज इसके अलावा और किसी भी सिचुएशंस में आपका जो ट्रेड के रिस्ट्रेन या रोकने का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होगा. अच्छा, पहले मुझे बताओ, ये आगे कराने से पहले मुझे सबसे पहले ये बताइए, अब तक के में किसी को कोई डाउट है प्लीज एक बार देख लो. नो मैम. ठीक है, मैं एक बार लगा देती हूँ. कहाँ से हमने स्टार्टिंग से किया है, कोई पॉइंट है, कोई वर्ड है जो आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो मुझसे पूछिए. हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से किया है. ठीक है, अच्छे से इसको रिकॉल करते हुए जाइए. 2 मिनट का टाइम लीजिए, देखो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ. आगे देख लेते हैं. विल ट्रांसफॉर्म वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनटू द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि फिर बाद में आप ये मत कहना कि हमें टाइम नहीं मिला, हमें टाइम नहीं दिया करने के लिए, बताने के लिए, हमें समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप ये नहीं बोल सकते. मैम एक बार भी बता दो, रिपीटेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. हाँ मैं बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए. हाँ बताओ मैम. बता देती हूँ. देखो, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब आपके पास जो फ्यूचर इवेंट है वो ऑलरेडी आप वो पता है कि वो अनसर्टेन है, फिर भी आपने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो होगा होगा या नहीं होगा. ठीक है, आपको मालूम है कि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि सट्टेबाजी होती है, आपको नहीं मालूम ना कि वो उसकी हैपनिंग होगी नहीं होगी. ठीक है, तो इसीलिए आप जब उस हैपनिंग के बारे में श्योर ही नहीं है, ठीक है, फिर आप उसमें अगर अपना सारा का सारा जो मनी है वो हार जाते हैं, तो क्या आप उसमें सामने वाले को कर पाओगे, कोर्ट में जा पाओगे? नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट था वो तो पहले से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. आप वहां पे कोर्ट में नहीं जा पाओगे, आप लोगों के सामने नहीं जा पाओगे. अब बताओ, अब समझ में आया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अब समझ में आया या नहीं? मैम लॉफुल बिजनेस में भी तो ये अनसर्टेन ही होता है, कंटिंजेंट प्रोटेक्ट. लॉफुल, लॉफुल में कहां से होगा? लॉफुल बिजनेस में आप एग्जांपल तो कोई लॉफुल बिजनेस कौन सा में जा सकते, तो मैम उसमें फ्यूचर अनसर्टेन ही होता कोई बिजनेस होता है तो. देखो पहली बात आप क्या बोल रहे हो, आप उसको प्लीज क्लियरली बोलो, मुझे नहीं समझ में आया. लॉफुल क्या चीज? अगर वो चीज लॉफुल होती तो यहाँ पे अनसर्टेन थोड़ी ना हो जाता. वो सारे बिजनेस तो अनसर्टेन होता है, जिस बिजनेस को कोर्ट में ले जा सकते राइट होते हैं, तो मैम वो अनसर्टेन नहीं होता.
आप पहले ये समझिए ना कि इवेंट कैसा है, इवेंट हो सकता है या नहीं। मान हर इवेंट आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं अगर आप उसको एक्ट को करोगे ही नहीं तब तो वो क्या होगा, तो वो फिर आपका नॉन एक्शनेबल इवेंट हो गया। अगर मान लीजिए ये इवेंट, यहाँ पे मैं अनसर्टेन फ्यूचर की बात कर रही हूँ, आपने वो वर्क किया भी, एक्शन किया भी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हुआ। मैं यहाँ इस कंसेप्ट की बात कर रही हूँ कि आपको वो इवेंट फ्यूचर से ही क्या था, अनसर्टेन था, स्टार्टिंग से ही अनसर्टेन था। यहाँ पे जो एक्शन है, होते हुए भी, करते हुए भी, एफर्ट्स डालते हुए भी मालूम है कि वो अनसर्टेन है। आप समझ नहीं रहे हो, ये एग्री है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हम जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही हो। अगर वो पूरा नहीं होता तो तब हम सामने वाले को बाउंड कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, लेकिन यहाँ तो आप सामने वाले को बाउंड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी खुद की मिस्टेक है, वो स्टार्टिंग से ही अनसर्टेन इवेंट था। लेकिन मान लीजिए ए ने प्रॉमिस किया कि नहीं आप इन मैं आपको ये गुड 10,000 में दूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं था, ये तो अनसर्टेन इवेंट नहीं था। अभय सेकंड पॉइंट में है, देखो रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कैंसिल आउट करना, रिफ्यूज कर देना। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइडेबल इस स्टेज पर है कि ठीक है, और अब जिस साइड, जिस पार्टी के साइड वो वॉइडेबल हो रहा है, उस पार्टी ने अब उसको आगे फर्दर मूव करने के लिए मना कर दिया। उस पार्टी ने कहा कि नहीं, ये मुझसे प्रेशर में, दबाव में, धोखे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो एक तो वो पहले से ही धोखे से, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड का कंसेप्ट आ गया है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जब फ्रॉड का कंसेप्ट है तो ये पहले से ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अगर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पहले से बन गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, व्हेन ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रेंसेटेड बाय द पार्टी एट हूज ऑप्शन इट इज वॉइडेबल, और जिसके ऑप्शन पर वो वॉइडेबल है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। आगे पूछो, आगे पूछिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, आगे मूव ऑन होती हूँ। हमने वॉइड एग्रीमेंट किया है, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कब आपके जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। फिर आप ये और प्लीज देख लीजिए, अगर कोई और डाउट है तो मुझसे पूछिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब है इलीगल एग्रीमेंट क्या है, सिंपल है। देखो एक होता है कि अब सिंपल है, एग्रीमेंट तो किया है हमने, देखो एक होता है कि उस एग्रीमेंट में लॉ का ही कंसेप्ट नहीं है, तो मतलब कि मैं लॉ का कंसेप्ट नहीं है का मतलब कि मैं लॉ कोर्ट के पास, अब अगर मुझे कोई हार्म होता है तो मैं कोर्ट के पास नहीं जा सकती, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर मुझे कोई हार्म होगा तो मैं कोर्ट के पास नहीं जा सकती, इसीलिए वो क्या बन गया, वॉइड एग्रीमेंट बन गया, ठीक है।
लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, इलीगल एग्रीमेंट है। तो इलीगल एग्रीमेंट क्या है? एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा, फॉरबिडन का मतलब क्या है कि मेरी स्टार्टिंग से ही इंटेंशन लॉ को वॉयलेट करने की थी। देखो वॉइड एग्रीमेंट में कोई भी इंटेंशन वॉयलेट करने की नहीं थी। क्या था कि मैं, अगर मुझे कोई हार्म होता है तो यहाँ पे मैं लॉ के पास नहीं जा सकती, लॉ मुझे कोई भी राइट्स या कोई भी गारंटी प्रोवाइड नहीं करेगा अगर मैं इस टाइप के वॉइड एग्रीमेंट को करती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए, ये डिफरेंस आता है एग्जाम में, कि बेसिक डिफरेंस आपको बताइए, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। इसमें बहुत आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे अगर आप एग्जाम्पल्स दे के क्लियर करते हो। मैं आपको साथ साथ काफी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इसमें कुछ लिखे भी हैं, आप उन्हें जॉट डाउन कर सकते हैं। सो वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल का मतलब क्या है कि यहाँ लॉ का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी हार्म होता है या आप किसी को हार्म करते हो तो यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए आप अपने लॉ के पास कोर्ट में नहीं जा सकते, सिंपल। अब आप यहाँ देखिए, ये है इलीगल, ठीक है। यहाँ देखो इलीगल है, इलीगल का मतलब क्या है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लॉ को। इलीगल एक्ट कब बनता है? इलीगल एक्ट बनता है कि जब आप किसी कानून को तोड़ते हो, तब आपने एक इलीगल काम किया है कि ये लॉ था, आपने उस लॉ को वॉयलेट किया, तो उस लॉ को वॉयलेट करने की इंटेंशन थी, तब वो जाके क्या बना, इलीगल बना। यानी एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो दैट इज इट इज एंटर्ड इनटू, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ वॉयलेटिंग द लॉ, जो कि कानून को, लॉ को वॉयलेट करने की इंटेंशन से जो किया गया है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपका वॉइड एग्रीमेंट है और इलीगल। वॉइड में आपको कोई राइट्स तो यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप वॉइड में एटलीस्ट लॉ तो ब्रेक नहीं कर रहे हो। अगर आप एग्रीमेंट करते भी हो, ठीक है, तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ इलीगल वर्ड आते ही आपके साथ यहाँ पनिशमेंट का कंसेप्ट, पनिशमेंट वर्ड भी ऐड होगा, ये भी इंक्लूड होता है। तो इलीगल एग्रीमेंट इज अ वन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ ने क्या किया है, मना किया है, लॉ ने वॉयलेट किया है, या तो आप ये लॉ को वॉयलेट करने की इंटेंशन है, ठीक है, आपकी यानी कि लॉ को वॉयलेट करने की इंटेंशन थी इसीलिए। तो एग्जांपल, ए एग्रीज टू स्टील द फर्नीचर फॉर बी, ए ने क्या किया, यानी देखो अब चोरी करना, चोरी करना ऑब्वियसली क्या है, लॉ का वॉयलेट करना है, ठीक है। तो जब इंटेंशन ही ऑलरेडी, मतलब कि वॉयलेट करने की थी लॉ की, तो ये अब आप इस केस में ये वॉइड नहीं है, यहाँ इंटेंशन आपकी गलत है। तो यहाँ इंटेंशन है, लॉ को आप वॉयलेट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया है, इलीगल एग्रीमेंट है। यानी ए एग्रीज टू स्टील द फर्नीचर फॉर बी फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख, ठीक है, सो इट इज इलीगल है। तो अगर जब इलीगल है तो वॉइड तो होगा ही होगा, यानी वॉइड मतलब वैलिड नहीं है, और इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द पीनल प्रोविजन ऑफ द लॉ। और तो ये आपको बताया कि इसमें क्या है, आपके अगेंस्ट क्या होगी पनिशमेंट, या आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो इट ऑल्सो अट्रैक्ट द पीनल प्रोविजन ऑफ द लॉ, तो ये लॉ के पीनल प्रोविजंस को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अगर आप इसे वॉयलेट करते हो, ठीक है।
तो ये आपका इलीगल एग्रीमेंट हो गया. व्हेन ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, तो देखो ये बात तो फैक्ट है, ये प्लीज स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखना. देखो इलीगल एग्रीमेंट, क्या सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं या नहीं ये बताइए. ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इसको आगे अर्दर मूव होने का, कैरी होने का कोई सीक्वेंस नहीं है. आप इसे अपने रिस्क पे भी करते हो तो भी आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल. क्यों? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं मिलती, बस आपको सेफ्टी सेफ गार्ड नहीं मिलेगा, इतना ही फर्क है. तो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, तो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आपके इलीगल नहीं होते. यानी व्हाइल ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ठीक है ये स्टेटमेंट है, आप प्लीज जॉट डाउन दिस स्टेटमेंट, ये कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आते हैं जो कि हमें देखना पड़ता है, इसमें बताना पड़ता है. ठीक है, तो यही देखिए, इट इज इलीगल. सो while all illegal agreements are void, all void agreements are not illegal. ठीक है, parties to an illegal agreement cannot get any help or protection from law. यानी कि जो illegal agreement से जो भी parties हैं उन्हें law से कोई भी help या protection नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती. तो पार्टीज टू एन इलीगल एग्रीमेंट कैन नॉट गेट एनी हेल्प, क्योंकि आपको वही बताया void में भी क्या है, हेल्प नहीं है. void में भी आपकी हेल्प नहीं है, लेकिन void में पनिशमेंट तो नहीं है, इलीगल में आपके पास पनिशमेंट भी है. तो इसीलिए सारे इलीगल एग्रीमेंट तो void होते हैं, लेकिन हर ऑल void एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते. ठीक है, ये एग्रीमेंट है, आप यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, void एग्रीमेंट है. void एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ, ऑब्लिगेशंस का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इलीगल में आप यहाँ पे इंटेंशन है आपकी लॉ को वॉयलेट करने की. सो इट इज एंटर्ड इन विद द इंटेंशन ऑफ वॉयलेटिंग द लॉ. ठीक है, अब आगे आइए, सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं कि अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या होते हैं. आप काफी कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना, कंफ्यूज है कि कहीं वर्ड आ रहा है आपके लिए कौन सा वर्ड, कहीं वर्ड है इलीगल, ठीक है, और अब वर्ड क्या है अनलॉफुल. अनलॉफुल का देखो सिंपल मतलब है इट इज इमोरल. ठीक है, इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी से अपोज्ड है और इलीगल है. तो वो सारे के सारे इलीगल है, ठीक है ना. अभी हमने इलीगल एग्रीमेंट किया है, तो इमोरल एग्रीमेंट है कि यानी कि आपके इमोरल का मतलब क्या है कि जो लॉ ने, ठीक है ना, इसे लॉ ने इसी एक पर्पस से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स किए हैं कि ठीक है कि जिसे नशा मुक्ति केंद्र टाइप, तो कोई कहते हैं कि ये इमोरल है. अगर कोई भी आप ऐसे एग्रीमेंट करते हो कि जिसमें इमोरालिटी शो होती है, ठीक है, यानी कि एक मोरालिटी शो नहीं होती, ठीक है, इमोरालिटी शो हो रही है या इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड आप वो वर्क करते हो, ठीक है, या फिर इलीगल. तो अनलॉफुल सबसे एक ब्रॉड कंसेप्ट है, सबसे पहले तो ये ध्यान दो. अनलॉफुल के अंदर आपका इलीगल एग्रीमेंट इंक्लूड है, ठीक है, और ये तीन पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं. और आप कहोगे कि वॉइड, तो जितने भी अनलॉफुल एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड तो होते ही हैं, ठीक है. इलीगल एग्रीमेंट भी वॉइड है, इमोरल एग्रीमेंट भी कोई हो रहा है तो जिसमें आपको मतलब मोरालिटी शो नहीं की जा रही है, आप इमोरल, इमोरल का मतलब क्या है कि भाई
मैं अगर ठीक है ना सामने वाले, या फिर मैं अगर ए ने कहा कि मैं बी को क्या करूंगा, किल करूंगा, तो उसके बदले में सी मुझे इतना अमाउंट देगा, तो ये क्या है? इमोरल है, इसमें मोरालिटी कहीं शो नहीं हो रही है, तो ये इमोरल है, ठीक है? तो इसीलिए ये अनलॉफुल, लॉफुल तो नहीं है किसी को किल करना, इलीगल तो नहीं कह सकते हम क्योंकि इसमें कोई रूल या कुछ वॉयलेट नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्ट जस्टिफाई नहीं है, इसीलिए हम इसे अनलॉफुल एग्रीमेंट कहते हैं। और अनलॉफुल एग्रीमेंट का सेक्शन कितना है? सेक्शन 23। सो द सेक्शन ऑफ अनलॉफुल एग्रीमेंट इज 23। इन सिंपल वर्ड्स, एन एग्रीमेंट में बी अनलॉफुल बिकॉज इट इज नंबर 1 इमोरल, का मतलब कि दैट इज कॉन्ट्रेररी टू द साउंड एंड पॉजिटिव मोरालिटी, ठीक है? इसके अपोजिट है। देखिए अब है कि अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी कि जैसे वेलफेयर ऑफ द स्टेट की, मतलब अब आप सिंपल है कि हमें अपनी स्टेट की वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, कि एक मतलब रिश्वत देना, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देना, तो ये क्या है? एक पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, तो ये वॉइड तो नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि ये क्या है? अनलॉफुल, हाँ सॉरी, क्योंकि जितने भी सारे अनलॉफुल एग्रीमेंट है वो वॉइड होंगे, ध्यान रखना अनलॉफुल एग्रीमेंट आपके वॉइड होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इतने एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो अपोज करना पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, तो कॉन्ट्रारी टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एज टेंडिंग टू इंटरफेयर विद द सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और विद इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन, ठीक है? तो एग्जाम्पल ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये एक अनलॉफुल एग्रीमेंट है। अब है इलीगल, तो इलीगल हमने देखा कि कोई भी पॉजिटिव लॉ है उसके अपोजिट हम जा रहे हैं, एक लॉ है, लॉ हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बना है, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर रहे, हम उसके रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है? तो हंस लाइन ऑफ डिमार्केशन नीड्स टू बी ड्रॉन बिटवीन इलीगल एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट, ठीक है? क्योंकि इसमें अनलॉफुल में ये तीनों कंसेप्ट आएंगे, ये प्लीज ध्यान देना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट पूछा जाता है तो वो अनलॉफुल के पॉइंट्स लिख देते हैं, कहा ये बहुत टेक्निकल पेपर है, आपको क्या क्या मेन मेन पॉइंट, इसीलिए इसमें मैंने जो भी स्टोरीज थी, कहानी थी, वो बिल्कुल भी नहीं लिखी है। इस समय कौन एंटर कर रहा है? ठीक है, तो एनहांस ए लाइन ऑफ डिमार्केशन नीड्स टू बी ड्रॉन बिटवीन इलीगल एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट, क्लियर? चलिए अब है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का, देखो इनफोर्सेबल मतलब कि वो एक्ट हो सकता है, ठीक है, इनफोर्सेबल। अब है अनइनफोर्सेबल, लेकिन अब वो जो एक्ट है उसमें देखो इनफोर्सिबिलिटी के सारे एसेंशियल्स हैं, लेकिन वो एक्ट फिर भी नहीं हो सकता, कहते हैं ना कि मैंने कि अनएक्शनेबल, तो अनएनफोर्सेबल या अनएक्शनेबल, तो अनएनफोर्सेबल या अनएक्शनेबल, तो ये यही आप ध्यान देना कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास अनफोर्सिबिलिटी के सारे एसेंशियल्स होते हैं बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, मतलब वो कर सकता है लेकिन ड्यू टू टेक्निकलिटीज के कारण या इसी एक मेन रीजन के कारण वो नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल हमारे पास इतने टाइम में देखा जाए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में टाइम का एक काफी इंपॉर्टेंट मेन रोल है, ठीक है? तो अगर एक टाइम का इतना इंपॉर्टेंट है रोल, तो हमें यहाँ पे देखना है कि वो काम आज ही होना है, कल नहीं हो सकता, वैसे आज हो सकता है लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज के कारण या कि कुछ इम्पॉसिबिलिटीज या फिर कुछ
सिचुएशंस के कारण वो नहीं हो सकता. तो बट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू सर्टेन टेक्निकलिटीज लाइक इनसफिशियंसी ऑफ द स्टेम, स्टेम की इनसफिशियंसी, तो आर टर्म्ड एज एनफोर्सेबल ई कॉन्ट्रैक्ट. तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, तब हम उन्हें अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सिंपल है. देखो एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्टीज ने अपने वर्ड्स में बोला है, बताया है, एक्सप्रेस किया है अपने वर्ड्स में, या तो बोल के या लिख के पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को यानी कि एक्सप्रेस किया है. तो एट क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन वेयर इंटेंशन ऑफ पार्टीज इज स्टेटेड इन वर्ड्स. जहां पर कि जो पार्टीज की जो इंटेंशन है, जहां पे पार्टीज की इंटेंशन को हमने शब्दों में, हमने वर्ड्स में बताया है, बता दिया, अब तो आपको ठीक है ना, एक्सप्लेन कर दिया, बोल भी दिया, तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एग्जांपल, ए गोज टू बी शॉप. अगर ए बी की शॉप पे जाता है एंड आस्क हिम टू सप्लाई 10 बॉक्सेस, तो आस्क करता है उनसे सप्लाई करने के लिए क्या, 10 बॉक्सेस, ठीक है, तो 20 पर बॉक्स के रेट से. बी टेल्स हिम दैट ही इज रेडी टू सप्लाई द बॉक्सेस, तो बी ने क्या कहा, बिल्कुल कि वो उसको सप्लाई करेगा. तो यानी ए ने कहा, बी ने कहा, तो ये क्या है, एक्सप्रेसली सेड है, दोनों पार्टीज ने आपस में एग्री होके कहा है, तो दोनों पार्टीज ने इंटेंशंस में है, वर्ड से भी स्टेट किया गया, चाहे रिटन या फिर स्पोकन, तब हम उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. तो बी टेल्स हिम दैट ही इज रेडी टू सप्लाई द बॉक्सेस, ठीक है, सो दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, तब हम उसे क्या, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. द सेम इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मे बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग साइन बाय बोथ द पार्टीज. कह रहे हैं कि जो पार्टीज की जो सेम इंटेंशन है वो हम, ठीक है, मे बी एक्सप्रेस्ड, वो राइटिंग में एक्सप्रेस की जाती दोनों पार्टीज के द्वारा साइन करके. तो ये वही है, ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन वेयर इंटेंशन ऑफ पार्टीज इज स्टेटेड इन वर्ड्स, कि जहाँ पे पार्टीज के इंटेंशन को हम वर्ड्स में स्टेट करते हैं, या तो बोल के, ठीक है, या लिख के, आइदर स्पोकन और रिटन. तो ठीक है, ए गोज टू बी शॉप एंड आस्क हिम टू सप्लाई 10 बॉक्सेस, तो बी टेल्स हिम दैट कि वो उसको इतने बॉक्सेस को सप्लाई करेगा, तब हम उसे एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सो दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. अब है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माने द एविडेंस ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी डिडक्ट, यानी कि डिड्यूस फ्रॉम द एक्ट. कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं हुआ, बोला नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है. जैसे कि अब जब, ठीक है, ए ने बी से मैरिज की, तो ये सिंपल है कि यहाँ पे अगर बी फीमेल है तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए को यानी कि कंप्लीट उठानी पड़ेगी. तो क्या है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें कोई भी एक्सप्रेस करने की, ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है. ये क्या है, ये इट मीन्स कि जब दोनों पार्टीज जो काम करते हैं या एक्ट करते हैं, उसमें से ये अपने आप ही ये निकल के आता है, डिड्यूस्ड होगा. सो द एविडेंस ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्ट्स और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. ठीक है, पार्टीज के कंडक्ट या पार्टीज के एक्ट से ये जो एविडेंस है, ये क्या होगा, अपने आप ही उसमें से निकलेगा, डिड्यूस्ड होगा. सो द एविडेंस ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट
एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का जो एविडेंस है इज टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्ट्स और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के एक्ट और कंडक्ट से ये निकलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको इसी वर्ड्स को स्टेट करने की, लिखने की, स्पोक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को कोई एक्सचेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आइदर रिटर्न लिख कर या स्पोक करके। ठीक है, बट मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर इंटेंशंस, क्योंकि अब है ऑब्वियसली उस एक्ट से। ठीक है, अब वो ए है, वो उसकी कंप्लीट अंडरटेकन कर रहा है, इसका मतलब कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो बट मैनिफेस्टेशन है, ये हमें कैसे लगता है कि वो कर रहा है, उनके एक्शन के द्वारा, उनके मैनिफेस्टेशंस के द्वारा, कि वो उस एक्ट से कर रहे हैं या नहीं। तो अगर वो उस एक्ट से कर रहे हैं तो उसी मैनिफेस्टेशंस के द्वारा ये बताया जाता है। तो नो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन टेक्स प्लेस बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर इंटेंशन इज इन्फर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एक्ट्स और कंडक्ट। तो उनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स और कंडक्ट से, ठीक है, उनकी ये इंटेंशंस की जो मैनिफेस्टेशन है वो बताई जा सकती है। ठीक है, आगे भी अभी हम करते हैं क्योंकि ये काफी है, बायलेटरल तक है, यहाँ तक हम इसे फिनिश करेंगे। उससे पहले आप प्लीज इसे जो अभी थोड़ा सा पार्ट जो हमने कवर किया आप उसे प्लीज देख लो, इसलिए आपको बोल रही हूँ, देखने के लिए, पढ़ने के लिए, आपके सारे डाउट्स आज ही क्लियर हो जाएं, बाद में आप ना बोलो कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, क्योंकि आज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का है। ठीक है, एग्जाम में कोई भी शॉर्ट मार्क्स, लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, हेलो, सबको समझ में आ रहा है, सब देख रहे हैं? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, अच्छे से पढ़ो, देखो। अनलॉफुल एग्रीमेंट है, अनलॉफुल एग्रीमेंट के बारे में भी देखिए आगे। इस टाइम मतलब आधे घंटे आप किस लिए आ रहे हैं बच्चे, ये मुझे टीचर्स को पागल समझते हैं कि अब ऑब्वियसली अटेंडेंस के लिए आएंगे, क्लास लेनी नहीं है। ठीक है, अनलॉफुल एग्रीमेंट हो गया, अनलॉफुल एग्रीमेंट के तीन एस्पेक्ट हैं, इमोरल, अपोस्ट पब्लिक पॉलिसी, इलीगल। बता दीजिएगा, मैं आगे पेज टर्न करूंगी।
चलिए अब आगे देखिए, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा बताइए, आप में से नोट्स कौन कौन बना रहे हैं? मैम अभी बुक नहीं है, अब बुक आएगी ना तब नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे. यस मैम. यस मैम. पर आपको बच्चों ने भेजी तो है, जिसमें नोट्स में से आपको समझा रही हूँ वो भेजा तो है. हाँ जी बोलिए. बुक का राइटर कौन है? एमसी कुचल. बताइए मैंने आपको. ठीक है आगे देखते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज योर द एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट. So now the next is a quasi contract. अच्छा पहले अब तक के में किसी को कोई डाउट था? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना, इसीलिए लगता है. आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, अब तक के में किसी को कोई डाउट था? नो मैम. नो मैम. नो मैम. चलिए ठीक है. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. दीज आर दोज ऑब्लिगेशंस विच आर इम्पोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बट डू नॉट अराइज फ्रॉम द कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज. अब ये देखिए कैसे हम इन्हें कवर करते हैं. एग्जांपल, ए है ट्रेडमैन, लीव्स गुड्स एट बी हाउस बाय मिस्टेक. अब यहां देखिए कि यहाँ पे सिंपल है, ए ने क्या कर दिया, बी के घर पे यानी कि जो गलती से बाय मिस्टेक वो गुड्स छोड़ दिया. तो बी ने ट्रीट्स द गुड्स एज इज ओन. तो बी ने उन गुड्स को ये ट्रीट किया कि वो गुड्स इसके खुद के हैं. तो बी इज बाउंड टू पे ए फॉर देम. अब सिंपल है, अब जब बी ने उन गुड्स को यूज कर लिया, बी को लगा ये जो गुड्स हैं वो उसके हैं, तो बी इज बाउंड टू पे ए फॉर देम. तो बी इनको यानी कि ए को पे करना अब होगा ही, क्योंकि अब ए ने उसको कॉल किया, बी ने कहा मैंने तो वो यूज कर लिए हैं. तो अल्टीमेटली अगर यूज कर लिए हैं और वो एक ट्रेडमैन है, बिजनेसमैन है, ठीक है, तो फिर बी ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, ए को पे कर दिया. तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हुआ, दोनों की मर्जी नहीं थी. लिखा है ना कि डू नॉट अराइज फ्रॉम ए कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज. पार्टीज के कंसेंसस के द्वारा अराइज नहीं किया गया. या तो ये हो, अब अगर मान लीजिए बी कहता है कि मैं आपको पे नहीं करता,
आपकी मिस्टेक है, तो फिर ये बी का राइट बनता था कि वो उस गुड्स को या तो उस गुड्स की कंप्लेन करे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी देखिए, अगर बी कहता है कि मिस्टेक से तुम्हारी गलती से हुआ है, मैंने नहीं किया, या तो बी को उन गुड्स की कंप्लेन करनी चाहिए थी, लेकिन बी ने उन्हें यूज कर लिया, फिर तो उनको पेमेंट उसको करनी ही पड़ेगी। तो ये ऑब्लिगेशन तो ये लॉ के द्वारा इम्पोज्ड हो गया, ठीक है। जब तक आप उसको रखते हो तब तक इम्पोज नहीं होगा, लेकिन जब आप उन्हें यूज कर रहे हो तब तक आपके पास क्या हो गया, वो ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड हो गई है। इट मींस ये क्या है आपके लिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, तो दीज आर दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इम्पोज्ड की गई हैं, पार्टी की अपनी मर्जी से नहीं। यानी पार्टी की यहाँ पे खुद की मर्जी नहीं थी, लेकिन बी ने उन्हें यूज कर लिया तो बी को पैसे देने पड़े, तो ये एक लॉ की इम्पोज्ड हो गई है ऑब्लिगेशन। तो इसे हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बना, लेकिन क्वाजी मतलब कि दोनों पार्टीज के कंसेंसस से नहीं बना। सो डू नॉट अराइज फ्रॉम ए कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज। तो पार्टीज के कंसेंसस से ये अराइज नहीं हुआ। पहले मुझे ये बताइए, क्या सभी को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? आप लोग रिस्पोंड क्यों नहीं करते हैं? यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम इसमें अगर जैसे कि अगर बी ने पेमेंट नहीं करी तो मैम केस ले जा सकते हैं ना कोर्ट में? ऑब्वियसली लेके जाएगा। तो फिर मैंने कहा ना कि फिर बी को या तो उन गुड्स की कंप्लेन करनी चाहिए थी। अब उसने भाई ए ने या बाय मिस्टेक छोड़ा, या बी ने बाय मिस्टेक उन्हें अपना समझ के ओपन कर दिया, तो ये बी की मिस्टेक थी। ए की मिस्टेक क्या थी कि उसने उन गुड्स को वहां पे छोड़ दिया या उसको बाद में इन्फॉर्म किया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर उन अगर वो चीज आपकी नहीं है तो आप उसको फिर जाके इसमें कंप्लेन कीजिए। अगर यहाँ पे ए ट्रेडमैन नहीं होता, कोई उसका रिलेटिव होता, तब के लिए सिचुएशन अलग है। लेकिन यहाँ ए कौन है? ट्रेडमैन है। तो फिर अब वो जो गुड्स, देखिए ये कब आता है, जब वो गुड्स इतना काफी कॉस्टली हो, महंगा हो, कोई इतना इजी में तो नहीं आएगा गुड्स, ठीक है। तो बी इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। अगर बी ए ट्रेडमैन है, हो सकता है कि बी के घर पे वो गुड्स को दिखाने आया हो, रीजन हो, ठीक है। बी ने क्या किया, बी कंफ्यूज हो गया कि हमारा है या नहीं, तो कोई भी रीजन आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें ये सिंपल सा है कि बी अब बाउंड होगा उसे पैसे देने के लिए, तो दोनों की मर्जी नहीं थी, कंसेंसस अराइज नहीं था, लेकिन फिर भी ये इम्पोज्ड हुआ। तो ये है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब है सिंपल है आपके पास क्या, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूट हो क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ड्यूटी कर दी, ए ने भी अपना वर्क कर दिया, बी ने भी अपना वर्क कर दिया, तो दोनों ने अपनी जो ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो डिस्चार्ज कर दी। तो इट इज वन वेयर बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव डिस्चार्ज देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि जहां पे दोनों ही पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज किया बाय परफॉर्मिंग देम, उन्हें परफॉर्म करके। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? इट इज द वन वेयर बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव डिस्चार्ज्ड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय परफॉर्मिंग देम। सो ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैश सेल्स, ऑब्वियसली
सेल भी हो गई और इससे कैश भी रिसीव हो गया, इसका मतलब कि ये आपके पास क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पूरा हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। अब सिंपल है, एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब है एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन वेयर वन और बोथ पार्टीज आर येट टू परफॉर्म। अब सिंपल है, यानी एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है और एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, यानी ये पार्टली एग्जीक्यूटेड है और पार्टली क्या है, एग्जीक्यूटरी है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन और बोथ पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, ठीक है, कि जहां पे एक या एक से ज्यादा पार्टीज अपने प्रोमिसेस को अभी पूरा करेंगी, तब हम इन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलेटरल, ये दोनों ही बहुत इजी कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर आपको यूनिलेटरल समझ में आ जाएगा तो बायलेटरल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो नाउ अंडरस्टैंड एग्जांपल, तो ए गोज टू द बस स्टैंड, ठीक है, टिकट काउंटर, तो बायज अ टिकट फॉर ए जर्नी, तो टिकट के जर्नी के लिए टिकट उसने क्या की, खरीदी। तो ए हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली कि भाई स्केड्यूल जो भी उसका फेयर था उसने उसे क्या किया, पे किया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बट द बस अथॉरिटीज येट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, क्योंकि भाई वो टिकट उसके पास प्रूफ है, उसने वो टिकट परचेज की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर वो भूल जाता है बस में चढ़ना, तो क्या वो उसमें बस की जो अथॉरिटी है उसको कोर्ट में लेके जा सकता है, नहीं, क्योंकि ये उसने खुद की मर्जी से किया है। कितने लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है, ट्रेन की टिकट खरीदी जाती है, मिस हो गई, वो हम ये नहीं कहेंगे ना कि वो हमें लेके नहीं गई, हमने उसकी टिकट परचेज की थी। तो ये क्या है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो निभाए सिर्फ एक ही साइड जाते हैं, जिसका ध्यान टेक केयर हमें एक ही साइड से रखना पड़ता है। अगर आप, ठीक है, ये इसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये तभी होगा कि जब आप उसमें खुद उसमें क्या करेंगे, सफर करेंगे। तो बट द बस अथॉरिटी इज येट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, लेकिन बस अथॉरिटी को अपना प्रॉमिस खुद और परफॉर्म करना था, ठीक है, क्या परफॉर्म करना था, ऑफ कैरिंग हिम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक जगह से दूसरी जगह उसे लेके जाने का। सो दिस इज ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए हम इसे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप कहोगे कि मैम ऐसे तो हमने कोई इसमें साइन नहीं किया एग्रीमेंट, देखो मैंने आपको क्या बताया, ऑफर, बस टिकट, टिकट काउंटर तो ऑफर किया, आपने जाके टिकट ले ली, आपने उसे एक्सेप्टेंस किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टिकट पैसे वो ले लेता आपसे, टिकट नहीं देता, तब आप उसमें कोर्ट में जाते कि उसने मुझे टिकट नहीं दी, है ना, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, तो यानी कि एग्रीमेंट भी है। मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि ऑफर आपको, ठीक है, एक्सप्रेस करके हो, इम्प्लाइड भी होता है आपने, और एक्सेप्टेंस पेपर पे हो, एक्शन से भी होती है। तो यहाँ पे ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा बना, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज वन
where at the time when the contract is made, one party has already performed his obligation और दूसरी पार्टी को अपनी obligation पूरी करनी है और ध्यान देना वो पूरी करने के लिए आपको मना नहीं कर रही है लेकिन अगर वो भूल जाती है तो आप उसे फिर ठीक है वो नहीं कर सकते वो अलग बात है कि आप मिनी बस में जा रहे हैं आपने वैसे किया है लेकिन उसका भी ध्यान टेक केयर आपको खुद ही रखना पड़ता है आई होप ये सभी को क्लियर हुआ या नहीं Yes, ma'am. बताइए क्लियर हो गया तो अब मुझे ये बताइए कि बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की अब बताइए बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं तो अब बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए सिंपल है बायलेटरल देखो यूनिलेटरल का मतलब क्या एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी और एक की आउटस्टैंडिंग है बायलेटरल का मतलब है अब दोनों साइड से है अब दोनों साइड बाउंड है अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को करने के लिए ये ठीक है तो यहाँ पे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन वेयर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर येट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस दोनों को ही अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस क्या करने हैं परफॉर्म करने हैं बताइए क्लियर हुआ या नहीं इसमें अभी भी कोई डाउट है नो मैम नो मैम ठीक है अच्छा थोड़ा सा आगे देखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थोड़ा सा और इसमें अच्छे से पॉइंट्स लिखे गए हैं ये जो असेंशियल आप प्लीज अपना होमवर्क लिखिए असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो ये जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर एक्सेप्टेंस ये ठीक है फ्री एंड जेन्युइन लॉफुल ऑब्जेक्ट ये सब आपको स्टडी करना है पढ़ना है ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी वहां मैंने आपको फर्स्ट क्लास में शॉर्ट में समझाया और यहाँ पूरा आपको लिख के बता दिया क्योंकि इसका क्वेश्चन आया था तो यहाँ आपको एंटायरली इसमें बता दिया फुल फिर ऑफर और प्रपोजल्स हैं फिर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे ऑफर्स के बारे में ठीक है कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है तो आपके लिए होमवर्क क्या है होमवर्क है आपको असेंशियल इसके नेक्स्ट जो असेंशियल वाला टॉपिक है ये अच्छे से कवर करना है दिस टॉपिक सो प्लीज राइट डाउन योर होमवर्क एंड केयरफुली स्टडी द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद सेक्शंस एंड ठीक है ट्राई टू रिमेम्बर द सेक्शंस आल्सो एंड ट्राई टू लर्न देम ठीक है एंड देन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ठीक है लेकिन अब यहाँ आपको डिटेल में बताएंगे तो अभी जो हमने कवर किया इसमें कोई आपको कोई आई थिंक दिक्कत तो नहीं होगी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटर यूनिलेटरल एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में एनी डाउट पूछ लीजिए अगर किसी को कोई डाउट है तो चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है ओके गुड तो ठीक है आज की क्लास के लिए इतना ही अटेंडेंस मैं आपकी लेती हूँ मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ वेट फॉर अ व्हाइल तो रिकॉर्डिंग एक बार मैं बंद कर देती हूँ ठीक है आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे